नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। देश की सियासत, कोरोना की तीसरी लहर, अब आंदोलन पर आंदोलन। क्या हो गया है मेरे देश को? मेरा देश तो अमन और शांति का प्रतीक था, फिर ये अशांति कैसे? कभी सीए और एनआरसी पर विरोध, किसी कानून आंदोलन, तो अब छात्रों का आंदोलन। क्या आप जानते हैं कि देश की अशांति कौन सी दिशा तय करेगी? एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद अब आरआरबी एनटीपीसी की नाइंसाफी से गुस्साए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मामला है क्या। छात्रों की मांग ये है कि आरआरबी ने ग्रुप डी के पदों के लिए एक ही भर्ती कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब दो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिससे प्रतियोगी छात्र नाराज होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि स्क्रीनिंग परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 20-20 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्हें 4 से 5 वर्ग में क्वालिफाई कराया गया। इसका नतीजा ये निकला कि एक पद के लिए केवल 4 से 5 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में लाखों अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा में ही बाहर कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि हर पद के सापेक्ष 20 लोगों को क्वालिफाई कराया जाए। छात्रों के साथ जो गलत हुआ है, सरकार को उनके हित में फैसला लेना चाहिए, ना कि इस सियासी दौर में रोटियां सेकने का काम। हाँ, ये सत्य है कि छात्रों के साथ गलत हुआ है। सरकार अपने वादों से मुकर रही है। आंदोलन करना जायज है, लेकिन जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उससे साफ नजर आता है कि छात्र नेता के अलावा कोई भी छात्र पढ़ने वाला नहीं है। आंदोलन की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाना गलत है। ट्रेन में आग लगाना, पुलिस पर पथराव करना, आम रागीरों के यातायात को रोकना, टायर जलाकर सड़क जाम करना, लोगों की निजी संपत्ति से तोड़फोड़ करना, किस आंदोलन के पक्ष में है? रेलवे तो सभी की संपत्ति है। आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता या व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन होता है, ना कि आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाना। समय भारत 24x7 सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करता है कि प्रदर्शन करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें समय भारत 24x7।